हाँ फिलहाल मार्केट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और हमारा मार्केट को चले, कुछ सब्जी लेके जाएंगे घर वापस। किलो 15 भी लगती है। देखो है 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 कितना बोल रहे हो? लाते किलो 15। ये रही पूजा जी वेजिटेबल्स, ये रही, ठीक है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो सिलेज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं कोची नहीं जा रहा, ठीक है, इसको मतलब छोड़ के मैं चला हूँ। थोड़ा हमारा मैच है, ठीक है, हमारे गांव पर फर्स्ट मैच खेलेंगे ना, इसलिए थोड़ा आज मैं वहाँ पर मतलब नहीं रहूँगा, खेलूँगा, ठीक है। तो चले पहले इसको छोड़ के आते हैं, उसके बाद ना आएंगे फिर खेलने को जाएंगे, ठीक है। हाँ पूजा जी को अभी छोड़ कर के आया हूँ, तो चले थोड़ा नहा लेते हैं, उसके बाद खाना खा के खेलने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो चले, हाँ अभी मैं नहा चुका हूँ, ठीक है। तो चले थोड़ा पूजा जी को लेकर के आते हैं, उसके बाद खाना खा के निकल जाते हैं खेलने के लिए। हाँ अभी मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, हमारी गाँव पर खेल रहा है, वहाँ खेलेंगे, ठीक है, होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, चले वहाँ जाते हैं। हाँ हमारे फील्ड पर पहुँच गए, ठीक है जी। हमारा फील्ड कल भी होगा स्पोर्ट्स, हाँ अभी ये इवनिंग का वक्त, ठीक है। खेलने तो गए थे हमारे गांव के बिल मतलब होम ग्राउंड पे खेले, तो नतीजा ये हुआ है कि हार गए, ठीक है, हार गए इसी वजह से, क्योंकि हमारे जो टीम बना था वो मतलब क्या अच्छे अच्छे जो खेलते थे उनको तो मतलब अलग, वो सब अलग टीम में खेले, ठीक है। और गोलकीपर भी हमारा नहीं था, वो नया गोलकीपर था, गोल मतलब बाई चांस हो गया, ठीक है, वो नया कीपर था ना, कब मतलब पकड़ नहीं पाया, तो उसी वजह से हार गए, लेकिन अच्छा खेले थे, ठीक है। तो क्या बताऊँ, वहाँ से आने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया था, सिर दर्द कर रहा था, वो मतलब धूप में घूम रहा था, और क्या कल फिर होगा, कल स्पोर्ट्स वगैरह होगा, ठीक है। वो स्पोर्ट्स वगैरह मतलब वो छोटे बच्चों का, गर्ल्स लोगों का, और डांस वगैरह होगा कल, सब कल फिर देखेंगे, ठीक है। तो क्या बताऊँ, अभी थोड़ा हम मार्केट जाने वाले हैं, थोड़ा वेजिटेबल्स वगैरह लाने के लिए ख़त्म हो चुका है ना, इसलिए चलते हैं। हाँ फिलहाल मार्केट पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, और हमारा मार्केट को चले, कुछ सब्जियाँ लेके जाएंगे। ये रही पूजा जी वेजिटेबल्स, ये रही, ठीक है। कितना बोल रहे हो? किलो 15। हाँ ये भी पूरा यहाँ है, चाट लिखा रहे, ठीक है जी। ये हमारा पामपुड़ी आ चुका है, ठीक है, चलिए खाते हैं। हाँ अभी बाजार से आ चुके हैं, ठीक है। तो पूजा जी अभी करी बनाने वाला है, ठीक है, ये कढ़ाई को धोने जा रही है, ठीक है। तो चले थोड़ा देख रहे थे क्या क्या लाए हैं बाजार से, ठीक है। पहले चलिए पूजा जी को थोड़ा लाइट मतलब दिखाते हैं, मतलब अंधेरा है ना, वो चलिए लाइट दिखाते हैं। रही हो रही कढ़ाई पे पानी नहीं है, अच्छा ठीक है फिर।
और एक कुरकुरी मामाली के लिए लाए। क्या करी बनेगा है? तो चले थोड़ा देख लेते क्या क्या मार्केट से लाए हैं। दोनों गए थे साथ में आज मार्केटिंग करने के लिए। ये साग थोड़ा लाए और टमाटर वगैरह, कच्चा मिर्च, ये सब लाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे तो पता नहीं। और ये बैंगन, टमाटो और अंदर बंद गोभी है क्या? और वो गाजर या क्या बोलते हैं? गाजर ही बोलते हैं। गाजर और वो ग्रीन मटर, वो सब लाए। थोड़ा वेजिटेबल्स मतलब सस्ते थोड़ा मिल रहा है। ठीक है, केजी के प्रति 20-30 पैसे मिल रहा है, थोड़ा सस्ता हुआ है, वरना 60-70 के करीब मतलब केजी रहता है। और क्या क्या बनेगा डिनर पर आज करी ये? बस इतना ही, सब्जी, टमाटर और कुछ बैंगन मतलब मिक्स करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये ड्रमस्टिक लीफ, बैंगन थोड़ा, टमाटर थोड़ा, नहीं है ये और लीफ नहीं है, ड्रमस्टिक है। ठीक है, और ग्रीन मटर थोड़ा आ देंगे। ठीक है, क्या बना रही हो? क्या बन रहा है? कढ़ा। अच्छा ठीक है, फिर कढ़ा आज पीएंगे। चाय नहीं, इसको चाय नहीं बोलते, बोले में कहते हैं कढ़ा। नहीं, हाँ यहाँ पे कुकिंग चालू हो चुका है। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे मम्मी जी मतलब क्या आग लगा रही है। ठीक है, ये करी भी रेडी हो चुका है। ठीक है, और वहाँ पे और एक करी बन रहा है, टमाटो और ये ड्राइड फिश। ठीक है, और ये रहा वो ड्राइड फिश और टमाटो थोड़ा बनाया है करी। ठीक है, ये भी रेडी हो चुका है खाने के लिए। और यहाँ पे वो सुबह का चावल बचा था, ठीक है, उसको गरम करके ही खा रहे हैं। ठीक है, मड़वा था मतलब फ्रेश पात नहीं, वो सुबह का है। ठीक है, बचा था ना बहुत, वही खा लेंगे। हाँ तो चले इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम डिनर करने वाले हैं, डिनर में आज मड़वा चलेगा और क्या करें। तो चले कल फिर आएंगे नई वीडियो लेकर के। तो कल तो हमारे गांव पर स्पोर्ट्स वगैरह होगा। ठीक है, वहाँ थोड़ा जाएंगे कल। तो चले, हाँ जाएंगे, मतलब मुझे लेके जाओगे तो? हाँ ठीक है, ठीक, खुद लेके जाओगे तो? बंदे बोला शर्म, नाच गाना भी होगा और क्या वो बच्चे लोगों का खेल कूद भी होगा। ठीक है, और हमारे वो ट्रेडिशनल नाच गाना होगा, उसको कहते हैं ढबुल। ठीक है, कल वहाँ चलेंगे। और आज के लिए इतना ही, तो चलिए रहते हैं। सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, गुड नाइट और जोहार। चलिए रहते हैं, बाबा और टेक केयर। चले रहते हैं।